अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज मेरी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं आपको अपने एरिया के अंदर बने हुए पवेलियन के अंदर लेके जा रही हूँ। यहाँ पे कम्युनिटीज़ के अंदर उनका एक अपना पवेलियन होता है, ताकि वहाँ के रेजिडेंट्स के लिए एक वन स्टॉप शॉप हो, और उनका अगर कोई भी नेसेसिटी या कोई भी अपने लिए कुछ भी बाय करना है तो वो पहले वहाँ चले जाएँ, क्योंकि उनको वहाँ पर हर चीज़ ईजीली मिल जाती है। और यहाँ पर भी जो जिस पवेलियन में मैं आपको ले जा रही हूँ, इसमें भी सारी फार्मेसी से लेकर किंडरगार्टन भी है एक अंदर, और छोटा सा एक सुपर स्टोर भी है, स्पिनीज उसका नाम है, वो भी है उसके अंदर। और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। तो मैं अक्सर यहाँ विज़िट कर रही होती हूँ, जब मुझे थोड़ी बहुत ग्रॉसरी लेनी होती है या कोई भी अपने एसेंशियल लेने होते हैं तो मैं यहाँ जाती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूअर्स को भी आज वहाँ लेके जाऊँ और एक छोटा सा व्लॉग वहाँ पर बनाऊँ। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको आज बड़े प्यारे से एक पवेलियन के अंदर लेके जाती हूँ। लेट्स गो। तो जी व्यूअर्स, हम लोग अंदर आ चुके हैं और बहुत ही पुरसकून सा यहाँ का माहौल होता है। और जेंट्री भी यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट होती है, मतलब ज़्यादातर यहाँ पे यूरोपियंस और जो है ना आपको फॉरेनर्स ही नज़र आएंगे, देसी लोग ज़रा कम होते हैं। फार्मेसी और किंडरगार्टन, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, इस तरह की चीज़ें बहुत यहाँ पे इजीली मिल जाती हैं। और मैं यहाँ जा रही हूँ, इसका नाम है स्पिनीस, और यहाँ के केक्स हमें बहुत पसंद हैं, एकदम फ्रेश होते हैं। वैसे तो मैं मिस्टर बेकर की बहुत फ़ैन हूँ, बट अगर मिस्टर बेकर के बाद कहीं का केक मुझे पसंद है तो वो यहाँ का है। बहुत ही अच्छा और डेली फ्रेश बेक होता है, बहुत मज़े का होता है। इतनी खूबसूरती से चीज़ें यहाँ पर रखी हुई होती हैं, बल्कि ये कहना चाहिए कि सजी हुई होती हैं, कि आप रेजिस्ट ही नहीं कर पाते कि इनको आप ले लें। देखिए अभी सामने सारी बेरीज़ रखी हुई हैं, हर तरह की बेरीज़ हैं, स्ट्रॉबेरीज़ और ब्लैक बेरीज़, ब्लू बेरीज़, बहुत ही जो है ना खूबसूरती से पैकिंग और नीट एंड क्लीन होती है, इसकी तो गारंटी है। और साथ ही साथ ये भी है कि फिर वो थोड़ी प्राइसी भी होती हैं। यहाँ की हर चीज़ आपको बाहर मिलने वाले मॉल्स से या कहीं भी आप किसी और लोकल स्टोर चले जाएँ, उससे यहाँ पर प्राइसेस ज़्यादा ही होते हैं। ये देखें, ये सारे ग्रीन आपको वेजिटेबल्स मिल जाएंगे और सब भी एकदम प्रीमियम क्वालिटी के होते हैं। अब मैं आपको इनके केक्स और इनका जो प्रिपेयर्ड फूड होता है वो भी दिखाऊंगी। बहुत ही टेस्टी और इतनी अच्छी उसकी पैकेजिंग करके देते हैं। ये देखें, इनके सारे केक्स हैं, इतने कोई फ्रेश इनके केक होते हैं, रोज़ाना ये लोग अपने बेक करते हैं और लिमिटेड होते हैं। आप अगर थोड़ा लेट आवर्स में जाएंगे तो फिर आपको आपकी चॉइस का केक मिलता भी नहीं है। मेरा ऑल टाइम फेवरेट जो है वो इनका ब्लैक फॉरेस्ट है, और वाइट फॉरेस्ट केक भी मुझे इनका बहुत पसंद है। और इनकी न्यू एडिशन जो है ना, वो इनकी राउंड पेस्ट्रीज हैं, जो कि इतनी आई कैचिंग है कि उनको देख के आप जो है ना रुक ही नहीं सकते उनको लेने के लिए। ये सारे देखें, इनका ब्रेड सेक्शन है जिसमें डिफरेंट काइंड की ब्रेड्स हैं, बहुत ही फ्रेश और बहुत ही जो है ना मज़ेदार। यहाँ पे अभी आप लोग प्रॉन्स वगैरह को देखिएगा, वो ऐसे साइड बाय साइड इन्होंने स्टाइल से लेटाए हुए हैं। तो मैं मुबीन से यही कह रही थी कि वरना हम किसी और मॉल में जाते हैं तो एक के ऊपर एक सारे उन्होंने डाले हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पे उनको भी तरीके से उन्होंने रिस्पेक्ट के साथ लेटाया हुआ है, ये साइड बाय साइड लेटाया हुआ है, मतलब बहुत ही जो है ना ऑर्गेनाइज्ड और अच्छा है सारे आइल्स। और इतने ज़्यादा ना रश भी नहीं होता, आप किसी भी टाइम चले जाएँ आपको ये ऐसे ही जो है ना, बहुत यहाँ पे लाइट जेंट्री होती है और बहुत कम लोग आपको नज़र आएंगे यहाँ पे, तो बड़ी पुरसकून यहाँ पे शॉपिंग हो जाती है। और बस जल्दी जल्दी आपने चीज़ें उठाई और आप निकल गए। बट इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, जैसे इनका डेली फ्रेश फूड ये लोग बनाते हैं। मैंने इनकी दाल तड़का भी ट्राई की है, बटर चिकन भी, सब बहुत अच्छा होता है। और ज़्यादा अच्छी बात यह है कि प्राइस ही नहीं होता। मेरे जाने का मेन रीज़न यहाँ पे केक्स होते हैं, कभी अगर मुझे केक्स लेना है या पेस्ट्रीज़ वगैरह लेनी है तो मैं यहाँ ज़रूर जाती हूँ, क्योंकि एक तो फ़र्स्ट ऑप्शन ये होता है कि घर के करीब है, और सेकेंडली ये होता है कि मुझे पसंद है, फ्रेश होते हैं और बहुत टेस्टी होते हैं, एकदम लाइट से होते हैं कि अगर आपने केक खा भी लिया ना तो आपको हैवी नहीं फील होता। देखिए सारे आपको सैलड के ऑप्शंस हैं कि आप मिक्स करवा लें, आप अपनी चॉइस की चीज़ें उसमें ऐड करवा लें। और ये सारे फ्रेश फ्लावर्स हैं, थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं ये तो कहीं भी आप चले जाएं मॉल में, तो यहाँ पे फ्लावर्स या बुकेज तो ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं ही।
जी व्यूअर्स, अब मैं यहाँ से बाहर निकल रही हूँ और यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं, मैकडोनल्ड है, ओरिगानो है और आई थिंक एक इंडियन रेस्टोरेंट भी है, बेस्किन रॉबिन भी है यहाँ पे। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में आप ज़रूर याद रखिएगा कि अल्लाह ताला तमाम बीमारियों से, परेशानियों से हमें और हमारे बच्चों को, हमारी फैमिलीज़ को महफूज रखे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे अल्लाह मियाँ। और अब मैं जा रही हूँ अपने घर। स्टे ट्यून फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़। अनटिल माई नेक्स्ट वीडियो, खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।